हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंस्टेंटली तैयार होने वाली ये क्विक हेल्दी और टेस्टी वेज मैक्रोनी की रेसिपी, वो भी एकदम देसी इंडियन स्टाइल में। आप बहुत ही झटपट तैयार कर सकते हैं, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। वो डालते ही इस मैक्रोनी का टेस्ट और भी चार गुना बढ़ जाता है। अब बना सकते हैं ये मैक्रोनी की रेसिपी। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रखा है। पानी जब बॉयल हो जाएगा यहाँ पर हम हमारे मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर पहले डाल देंगे हम 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, तेल डाल देंगे और यहाँ पर आप थोड़ा स्वाद अनुसार या फिर 1 छोटे चम्मच के करीब यहाँ पर आप नमक डाल दें। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे हमारे मैक्रोनी। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, कोई भी शेप साइज का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये लगभग 2 कप के करीब और इसे हमें बॉईल कर लेना है। फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे और ये तुरंत ही बॉईल हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी इस टाइम पर ये कच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज है मैक्रोनी कैसे बड़े हो गए हैं और अच्छे से बॉईल भी हो गए हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए आप एक स्पून से इन्हें कट करके देखें, वो आसानी से अगर कट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे मैक्रोनी बॉईल हो चुके हैं। ध्यान रखना है आपको इन्हें ज़्यादा ओवर बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैक्रोनी हमारे परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इसे अब हम छान करके निकाल लेते हैं। और ये जो मैक्रोनी है जिसे हमने छान लिया है इसे आपको नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि वो जो चिपचिपापन है वो निकल जाए, वरना अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपके मैक्रोनी जो है वो चिपचिपे से रहेंगे। आपने नोटिस किया होगा बहुत बारी कि बॉईल करने के बाद अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देते तो वो आपस में चिपक जाते हैं। और यहाँ पर तब तक हम एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर लेंगे हम 1/2 बड़े चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरीके से काट लिया है। अगर आप नहीं खाते हरी मिर्च तो स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ना डालें। मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 प्याज। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का प्याज लिया है, बारीक इस तरीके से काट लिया है। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, हल्के से प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्के गुलाबी, तब तक आप इन्हें तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ गाजर, मैंने बारीक छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर के अलावा कोई और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ बारीक कटे हुए बीन्स। आप अपने मर्जी के कोई और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है मैक्रोनी या पास्ता में। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर बॉइल्ड गाजर ले रहे हैं तो आपको इन्हें इस टाइम पर ऐड नहीं करना है। यहाँ पर मैंने कच्चे गाजर लिए हैं इसलिए मैंने इसे पहले ही ऐड कर दिया है ताकि ये थोड़ी देर पक जाए। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया था, इसे सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, मिला लेते हैं इसे अच्छे से। और यहाँ पर डाल देंगे हम 1 मीडियम साइज का टमाटर छोटे टुकड़ों पर, इसे भी डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर बॉइल्ड गाजर ले रहे हैं तो आप इस टाइम पर उबले हुए गाजर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी बॉइल्ड मटर या फिर बॉइल्ड कॉर्न ले रहे हैं तो आप इस टाइम पर डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने मैक्रोनी को बॉइल करने टाइम पर भी नमक डाला था। तो नमक डाल दिया है मैंने यहाँ पर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे ढक देते हैं और कुछ देर के लिए सब्जियों को अच्छे से पकने देंगे। हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं कवर करके पकाना है क्योंकि मैक्रोनी में इन सब्जियों को थोड़ा वो क्रंची टेस्ट आना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सब्जियाँ पसंद है मैक्रोनी में। तो सब्जी अच्छे से पक गए हैं तो यहाँ पर हम मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। आप इसमें पाव भाजी मसाला डाल करके देखिए, आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा।
अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट चेंज हो जाता है, ये पाव भाजी मसाला से जो मैक्रोनी का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हम 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाल देंगे। यहाँ पर मैंने स्वीट एंड स्पाइसी टोमेटो केचप यूज़ किया है और यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच के करीब रेड चिली सॉस डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं और सॉसेस को भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से यहाँ पर मसाले और हमारे सब्जी सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने आपके साथ पहले भी वेज मैगी और चाइनीज स्टाइल में मैंने आपके साथ नूडल्स की रेसिपी भी शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यहाँ पर हमारे बॉईल किए हुए मैक्रोनी डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने जिस तरीके से मैक्रोनी को बॉईल किया था, उसके बाद जो हमारे मैक्रोनी है बिल्कुल भी चिपचिपे से नहीं है, खट्टे से नहीं है, एकदम खिले खिले से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब अच्छे से मसाले में सब्जियों में मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया और मैक्रोनी और सब्जी कितने अच्छे कलरफुल लग रहे हैं देखने में। और यकीन मानिए पाव भाजी मसाले की वजह से जो इसका टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है खाने में। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से मैक्रोनी की रेसिपी को। तो अब हम इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि जो मसालों का टेस्ट है, मसाले और सॉसेस जो भी है वो हमारे मैक्रोनी में अच्छे से सोख हो जाए, अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर ले और हमारा मैक्रोनी टेस्टी बने। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, मैंने बस 2 मिनट के लिए इसे ढक करके थोड़ी देर पका लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही रखा था। एक बार इसे अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे और बस यहाँ पर हमारे टेस्टी मैक्रोनी बन करके तैयार है। तो ये एकदम देसी स्टाइल में मैंने आपके साथ मैक्रोनी की रेसिपी शेयर की, आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अच्छे से मिला लेते हैं और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करके इंजॉय करें। आखिरी में मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ कुछ बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। धनिया पत्ते से भी इसका टेस्ट और अच्छा लगने लगता है और कलरफुल दिखने लगता है मैक्रोनी। वो कहते हैं ना, जो चीज़ देखने में पहले ही आंखों को पसंद आ जाती है वो उसका टेस्ट आपको खाने में और भी अच्छा लगता है। तो जितना अच्छा आपकी डिश देखने में लगेगी उतने ही ज़्यादा आपको मज़ा खाने में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी टेस्टी कलरफुल हेल्दी मैक्रोनी बन करके तैयार है। इसमें हमने सब्जियाँ डाली हैं जिस वजह से ये हेल्दी भी है और हमने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है। तो इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर बनाएं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी आप ये टेस्टी मैक्रोनी बना सकते हैं। किसी भी टाइम के लिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों के लिए भी ये अच्छी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करें आप इस इंडियन देसी स्टाइल में मैक्रोनी की रेसिपी को। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और भी अच्छे रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल हिमास कुकिंग डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। Oh, 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 o